रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सब जानते हैं लास्ट व्लॉग में हम मॉल गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, ग्रॉसरी की और घर के किचन के लिए कुछ मैंने चीज़ें ली। ये मैंने एक यहाँ से कुकिंग रेंज भी लिया था। तो और असल में बात यह है कि जब से हज से आई हूँ तो किचन में दिल ही नहीं लग रहा, बिल्कुल बेरौनक सा लग रहा है, जाने को दिल ही नहीं कर रहा किचन में। तो सोचा कि किचन की कुछ सेटिंग चेंज की जाए, कुछ नए नई क्रॉकरी लाई जाए और बस इसी सोच को लेकर हम लोग मॉल गए थे और मैंने और भी खूब सारी शॉपिंग की किचन से रिलेटेड। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में अपना किचन सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। आई होप कि आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा और अगर आपको भी कुछ चीज़ उसमें से अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग भी अपने किचन के लिए लेके आइएगा। तो चलिए भी चलते हैं, पहले ये सारा सामान हम डिग्गी में डालते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं घर में जाकर। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी चीज़ों को खोल कर सेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी होगा तजस्सुस के क्या नई क्रॉकरी आई है। तो ये है जी कुकिंग रेंज, रेड कलर में मैंने लेकर आई हूँ। असल में लाइट कलर में सब कह रहे थे कि गंदा ज़्यादा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, तो रेड ही ले लिया। और इसके अलावा ये मैं एल्युमिनियम पेपर लेकर आई हूँ जी। सबसे पहले मुझे जो अपने काउंटर टॉप है उसके लिए ये चाहिए था और मुझे नहीं पता था, मैंने इसको अपने चूल्हे पे भी चढ़ा दिया। तो लेकिन आप ना ऐसे कीजिएगा क्योंकि इसको आग पकड़ती है, मुझे इसका इलम नहीं था, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको उतार भी दूँगी। लेकिन मैंने चढ़ा लिया था तो मैंने कहा चलो इन्जॉय कर लेते हैं हम जितने दिन चलता है। असल में वो कवर और होता है जो चूल्हे के लिए होता है, वो मैं इंशाल्लाह दोबारा मंगाऊंगी जी। मैं कुछ स्पाइसेस जार लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मुझे। ये ब्लैक एंड ग्रे कलर में लिए हैं जी मैंने और इसमें मैंने आते ही मसाले डाल लिए हैं और फिर मैं ये आपको दिखा रही हूँ। एक तीन ग्रे लिए हैं और तीन जो हैं ब्लैक लिए हैं और ये दो मैंने बिग साइज़ के लिए हैं, एक सॉल्ट के लिए और एक शुगर के लिए। बहुत मुझे प्यारे लगे, क्यूट लग रहा था ना ये कम्बो सारा, तो मैंने ये सारा ही ले लिया और इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर लिए हैं। ये देखें जी, आपको दिखाते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें मैंने ना दराज से भी ऑर्डर की थी क्योंकि सब चीज़ें एक जगह नहीं मिलती और सब चीज़ें एक टाइम पे ख़रीदी भी नहीं जाती। तो ये देखें जी, ये जो है ये मैंने क्या क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जार रखने के लिए स्टैंड लिया है और प्लेट्स का स्टैंड लिया है और ये देखें जी, ये मैंने मेरा कुकिंग रेंज है दरमियान में और साइड में थोड़ी सी जगह बचती है, काउंटर टॉप दूसरी तरफ है। तो यह जो जगह थी यहाँ पे मैंने ये स्पाइसेस जार रख दिए। स्पाइस जार बहुत प्यारे लग रहे थे स्टैंड के अंदर और मैं आपको बताऊं कि इतने एग्जैक्ट जगह है ना ये इनके लिए, क्योंकि चूल्हे के जितने भी करीब होंगे ना उतने इजी रहता है हमें यूज़ करने में, ये जितनी दूर चीज़ें होंगी उतनी मुश्किल होती है। नीचे तीन ब्लैक रख दिए, ऊपर ग्रे रख दिए तीन और ये जी दो मुझे बहुत क्यूट स्टील के पॉट लगते हैं और ये मुझे हमेशा बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और मेरा दिल किया कि मैं इसको भी साथ में रखूं, क्योंकि ऑलवेज गोल्ड होता है भाई, स्टील का जो है अपना ही मज़ा है। तो ये छोटा सा काउंटर टॉप है जो साइड पे है और ये मेरे कुकिंग रेंज के बिल्कुल साथ है। दूसरी तरफ आते हैं जी, ये मैं एक ट्रे लेकर आई हूँ मॉल से और ये मैं कटिंग बोर्ड लेकर आई हूँ मॉल से। तो इसको अब हम तमाम चीज़ों को सेट करते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ पर ये है जी काउंटर टॉप का मेरा दूसरा हिस्सा, ये है कुकिंग रेंज की उस तरफ चीज़ें लगा दी, अब इस तरफ लगा रही हूँ। ये मैंने ट्रे रखी है जी, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, बहुत प्यारी सी थी और इसलिए मैं इसको लाजमी ले आई। इनके ऊपर जी ये दो जो अलग से मैं लेके आई हूँ, शुगर पॉट और एक में मैंने सॉल्ट ऐड किया है, तो ये मैंने रख दिए साथ में। पीछे मैंने कटिंग बोर्ड रख दिया क्योंकि कटिंग बोर्ड की ज़रूरत भी आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा
पड़ती रहती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी रखी हैं जो मुझे अच्छी भी लगे। देखें, आपका किचन प्यारा होगा ना, खूबसूरत होगा, तो आपका खुद का दिल करेगा बार बार काम करने को, मज़ीद डिशेस आप ट्राई करती रहेंगी। तो ये स्टैंड है जी, स्टैंड मैंने 3 हैं मेरे पास इस तरह के, और वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने यहाँ रख दिया, ये जो छोटा सा पॉट है ना, ये मैं हज से लेकर आई हूँ, और बर्तन रखा और साथ में ऑयल की बोतल रख दी। बस जी, इतना सा काउंटर टॉप मैंने तैयार किया। इसमें मैं चेंजिंग करती रहती हूँ, मतलब कोई चीज़ इधर से इधर रखती, इधर रखती, बस जिस टाइम जो चीज़ नज़र को अच्छी लग रही होती है वैसे ही कर देती हूँ जी। तो फ़िलहाल जो है मैंने ऐसे कर दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना किचन ना। तो इसके जो ऊपर जगह है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने थोड़ी फ्लावर्स के साथ डेकोरेट की है। तो इस टाइम मेरे पास जो चीज़ें भी अवेलेबल थी और वो मैंने ऐड करके ये सब कुछ कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी। और इसके ठीक ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा एक काउंटर सा बना हुआ है, उसे मैंने ग्रास से और आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया, क्योंकि अच्छा लगता है किचन में इस तरह की थोड़ी सी चेंजिंग हो, खूबसूरत लुक हो, तो आपको खुद को अच्छा फील होता है। जी, तो बारी आ गई है किचन के कैबिनेट की। कैबिनेट में से मैंने तमाम चीज़ें बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि बहुत ही बेतरतीब तरीके से हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो मैंने इन सबको क्लीन किया पहले, और क्योंकि रीसेट करूँगी इन सबको, और जो हम लेके हैं नॉनस्टिक का पूरा सेट, उसकी भी जगह बनानी थी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने सेट की हैं। असल में पता है क्या वजह ये है कि जो मेरे बड़े बड़े सेट है ना, पत्थर का, शीशे का या प्लास्टिक का, वो तमाम जो है ना नीचे डाइनिंग टेबल के पास जो अलमारी है ना, उसमें रखे हुए हैं। तो किचन में बस हल्का फुल्का से बर्तन रखने हैं जो कि बच्चों के ज़रूरी हों, बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए जो बस थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, बस वो ही रख रही हूँ। ये जी, ये सेट किचन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जी 3 देचकियाँ हैं और एक फ्राई पैन है, एक इसमें तवा है, और इसमें चम्मच है, इसमें कढ़ाई भी है। तो ये इस तरह काफ़ी चीज़ें मिलकर बन जाती हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये मैंने इनको अरेंज कर दिया है, कढ़ाई को और बड़ी देची को ऊपर रखा है, क्योंकि वो कम यूज़ होती है, कढ़ाई मेरे पास पहले भी है, और नीचे 2 देचकियाँ और फ्राई पैन रख दिया है। ये देखें जी, इसके बाद दूसरे कैबिनेट की बारी आ गई है, और इसको जो है मैं अरेंज कर रही हूँ। और ये जो स्टैंड बड़े काम आता है जी, बहुत काम आता है, ये आप लाजमी लीजिए। ये छोटे छोटे बर्तन जो है मैंने यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना अक्सर खाना नहीं खाते, लेकिन छोटे छोटे बर्तनों में जब हम चेंज करके बर्तन देते रहते हैं ना उनको, तो वो बड़े शौक से खाते हैं। इब्राहिम भी बहुत शौक से खाता है, जब उसको उसके डेली के यूजेस बर्तनों के अलावा मैं किसी और बर्तन में डाल दूँ ना, तो वो बहुत खुश होता है। ये छोटी छोटी प्यालियाँ वगैरह भी इसलिए रखी हैं। ये आइस पॉट है जी, आइस पॉट को मैं जस्ट आइस पॉट के तौर पर यूज़ नहीं करती, मैं इसको डिफरेंट फलों के क्यूब्स बनाकर इसमें डाल देती हूँ, तो वो भी बच्चे शौक से खाते हैं। छोटी छोटी ग्लासियाँ हैं जी, इसमें भी अगर ये लोग मिल्क शेक या कुछ ऐसी चीज़ ना पिए तो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो बड़े शौक से बच्चे पीते हैं कि एक छोटी सी चीज़ में मामा डाल के दे रही हैं, तो इंजॉय करके पीते हैं। तो बस यहाँ कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें और कुछ बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें अरेंज कर रहे हैं जी। इस वाली तरफ 3 दराज हैं जी, ये 1 तो हमने अरेंज कर दिया आपके सामने, और दूसरा जो है उसमें मैं रखूँगी दालें वगैरह। दालें का बड़ा मसला होता है, मैं जब भी थोड़ी सी दाल बच जाती है तो हमने कभी किसी कैबिन में रख देती हूँ, कभी किसी में, और वो बाद में मिलती भी नहीं है। तो इसलिए ये भी मैंने द्रा से ही ऑर्डर किए हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ रही, बहुत ही अच्छी चीज़ रही, और एयर टाइट हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह मैंने तमाम दालें, ये देखें जी, हरम भी साथ साथ मेरे काम करा रही है, तमाम दालें और चीनी वगैरह जो है ना, वो ऊपर वाले कैबिन में पीछे बर्तन लगा दिए हैं। ठीक है, और आगे जो है ये दालों के पैकेट्स बना कर रखती हैं, ताकि जो भी दाल थोड़ी बहुत बच जाती है मैं उसके अपने ही पैकेट में डालकर उसको रख देती हूँ। इसके बाद दरमियान वाला
जो कैबिन है उसकी बारी है। दो कैबिन हमारे यहाँ के हो गए हैं जी। ये देखें जी, जो सेट नज़र आ रहा है ना वाइट बॉल का, वाइट बॉल के पांच बॉल होते हैं आपको पता है ना। तो दो ये हैं, एक ऊपर है और दो मैंने आगे रखे हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ सेकेंड में भी मैंने ये स्टैंड रखा है। स्टैंड की मदद से डबल डबल चीज़ें आप रख लेते हैं जो आपको ज़रूरत के तौर पर सामने मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने नीचे जो है ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, हनी वगैरह, इस तरह जो भी चीज़ मुझे अर्जेंटली चाहिए होती है बच्चों के हिसाब से, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी हैं। और इसके ऊपर जो है वो जगह कम बच रही थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं आ सकती थी, तो मैंने शीशे के कुछ बाउल रख दिए जिसमें मैं बच्चों को अक्सर स्नैक डाल के देती रहती हूँ। तो बस ये दो चार दराज हैं यहाँ पर जिसको मैंने फिल कर दिया। ये भी मैंने अभी आपको दिखाया है, इसका भी हमने अभी पार्सल खोला है, द्रॉस से ऑर्डर किया है। ये बहुत अच्छा स्टैंड है। अमूमन जो स्टैंड होते हैं वो प्लेट्स का वज़न नहीं उठा सकते, लेकिन ये मैं बाहर रख कर ना देख रही थी कि क्योंकि पत्थर की जो प्लेट्स होती हैं ये ज़रा हैवी होती हैं, तो ये स्टैंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेटेड है और इसके ऊपर रबर की भी तह चढ़ाई हुई है उन्होंने, ताकि जो है चीज़ टूटे भी ना, और काफ़ी मजबूत स्टैंड है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसको। तो जब मैंने देखा कि हाँ ये प्लास्टिक के सॉरी ये पत्थर की जो है ना प्लेट्स का वज़न सहार लेता है, तो फिर मैंने इसको अंदर सेट किया, क्योंकि मुझे डिफरेंट तरह की प्लेट्स वगैरह इसमें अरेंज करनी थी, क्योंकि काफ़ी स्पेस होती है। एक ब्लॉक एक जो जगह है वहाँ पर हम दो प्लेट्स पत्थर की तो रख सकते हैं, प्लास्टिक की हो तो तीन भी रख सकते हैं। तो ये नहीं कि ये बहुत अच्छा स्टैंड मिल गया, ये लें जी, ये हमारी थोड़ी बहुत जो रीअरेंज किया है हमने किचन को, तो थोड़ा मतलब इस तरह अरेंज हो ना चीज़ें तो हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप घर में मौजूद नहीं भी हो तो कोई और अगर आपके किचन में किसी को कोई चीज़ चाहिए तो इजीली उसको भी हर चीज़ नज़र आ जाती है, हर चीज़ सामने पड़ी है। और ये स्टैंड का बड़ा फ़ायदा होता है जनाब। ये लें जी, अब मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ। मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि ये चीज़ ज़रूर आप लोग भी मंगवाएं, क्योंकि जो छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में किचन में सामने पड़ी होनी चाहिए, अक्सर नहीं मिलती। तो ये स्टैंड जो है ना ये ऐसे ड्रॉ के अंदर लगा दिया, ये देखें इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ड्रॉ में है और बाकी बाहर है। तो ये जो हर्म के फीडर हैं जो हमें जो अर्जेंटली चाहिए होते हैं वो मैंने यहाँ रख दिया, और ये जो दो बॉल है ना, दो बॉल इसके, तीन बॉल ऊपर हैं और दो जो छोटे साइज़ के हैं वो मैंने इसमें रखे हैं, क्योंकि ये दोनों बॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे इनकी। ये हम चूल्हे में भी इसमें चीज़ डालकर गर्म कर लेते हैं, बची हुई चीज़ डाल कर रख देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टैंड। नेक्स्ट जी, मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लिक्विड सोप के लिए डिस्पेंसर है जी, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया इसको भी यूज़ करने का। ये भी मैंने तो ऐसे ही ऑर्डर किया था, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है लिक्विड डाल दिया और उसके बाद जो है उसके ऊपर स्पंज लगा देंगे ना, तो इजीली लिक्विड आपका ऊपर आ जाएगा, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन ये चीज़ रहेगी। वरना मोस्टली जो है जब मैं दूसरा साबुन यूज़ करती थी ना, तो प्लेट भी ख़राब हो जाती थी और हर चीज़ ना मैसी सी लगती थी बहुत। तो इससे बहुत एक तो लुक भी डिसेंट आ गई और बहुत दिल को सुकून हो गया कि साफ़ सुथरी चीज़ जो है ना वो मिल जाए। तो बर्तन धोने का भी दिल करता है, वैसे गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन रात भर में एक हाउस वाइफ ने ये सब कुछ काम करने होते हैं। तो ये है जी, इसमें स्पंज भी मैंने निकाल के रख दिया है, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये जी ग्रास के मैट हैं, ये भी मैंने ऑर्डर किए थे और बहुत ही खूबसूरत ग्रास आई है, A1 क्वालिटी है जी। कुछ हिस्सा इसका मैंने ये इस काउंटर पे बिछा दिया था जिससे लुक अच्छी हो गई, और कुछ जो है आपको पता है ओपन किचन है तो ये स्लैब जो है इसमें थोड़ी सी मैं कह रही सी डेकोरेशन हो जाए, ताकि व्लॉग बनाने में भी पीछे लुक अच्छी आती है, और वैसे भी देखने में ओपन किचन में जो स्लैब होती है ना खूबसूरत नज़र आती है। इसके जो कॉर्नर थे जी,
साइड से वो सारी मैंने इससे कवर कर दी है, और जस्ट इतना हिस्सा ही कवर किया क्योंकि इधर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बैठ कर टेबल का काम लिया जाता है, तो बस इतने ही हिस्से पर मैंने ये बिछाई है। बहुत खूबसूरत लग रही है, रियली किचन की लुक ही बदल गई है सिर्फ इतने से हिस्से से। और धूप निकल रही है जी इस टाइम, तो हम अपनी विंडो को भी नीचे कर देते हैं। रात को इंशाल्लाह ऊपर कर देंगे, शाम को ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ठंडी हवा आती है। इस टाइम नीचे कर देती हूँ क्योंकि धूप आती है। Thank you.